एक एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक नॉर्मल रनवे 2000 फीट लंबा होता है, जहाँ पर प्लेन टेक ऑफ और लैंड करना बहुत ज़्यादा इजी मैनोवर माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की भी, तो जेरल्ड आर फोर्ड का जो रनवे है वो सिर्फ 300 फीट लंबा ही है। इसलिए पायलट्स को एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए। टेक ऑफ करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और सोफेस्टिकेटेड सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसे कैटापल्ट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें प्लेन के अगले व्हील को अटैच करके उसे 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डेक से लॉन्च कर दिया जाता है। इस सिस्टम को न्यूक्लियर रिएक्टर से जो स्टीम प्राप्त होती है उनसे पावर किया जाता है, और इसीलिए उसके लॉन्च करने पर इस तरह से धुआं निकलने लगता है। लैंडिंग के समय अरेस्टिंग वायर का यूज़ किया जाता है। डेक पर 3 अलग अलग तरह के वायर होते हैं, जिन्हें प्लेन को पीछे लटक रहे रोड से पकड़ लिया जाता है। इससे प्लेन को स्लो करने में आसानी होती है। अगर कोई प्लेन लैंडिंग करते समय इस अरेस्टिंग वायर को नहीं पकड़ पाता है तो कुछ ऐसा होता है।